बहुत आगे जाएगा। और आर्थिक क्रांतिकारी बनने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले प्रॉब्लम सही, सब चीजों की जड़ है हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग बनना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्वर। अब प्रॉब्लम सॉल्वर क्या है, सबसे बड़ी समस्या है एनर्जी की। एक आम बिजली घर का बिजली का बिल, जिसके घर में नॉर्मल एक एसी लगा, अब आजकल एसी बहुत कॉमन हो गया है, हर दूसरे घर में एक एसी होता है कि नहीं होता है, यहाँ पे बैठे लगभग सभी के घर में एक दो एसी होंगे, है ना, किसी किसी के यहाँ तो हो सकता हो सेंट्रलाइज एसी हो, है ना। तो वो उसके घर का बिजली का बिल, एक आम आदमी जिसके यहाँ एक एसी लगा है उसका बिजली का बिल आ रहा है 6,000। बिजली कहाँ से ले रहा है, ग्रिड से। अब ग्रिड की अपनी एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या है, वहां पे कोयला है कम, तो इसी वजह से उनके रेट्स ज्यादा होते हैं। अब एक एग्जांपल आपको देंगे, आज से करीब 10 साल पहले जब आप लोग छोटे रहे होंगे, आप लोग 10th में होंगे या फिर उससे भी पहले पीछे जाएं, जब आप लोग 4th-5th में होंगे, तो आप लोग को याद होगा, जो लोग लखनऊ से हैं उनकी तो बात नहीं करूंगा, लेकिन जो लखनऊ के बाहर के कितने लोग हैं यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द पीपल आर आउटसाइड फ्रॉम लखनऊ, आप लोग को याद होगा कि पावर कट्स हुआ करते थे। कितने घंटे बिजली जाती थी, 8-8 घंटे बिजली नहीं आती थी। आज की क्या स्थिति है, 22-24 घंटा बिजली मिल रही है। ऐसा क्यों हो पाया पता है, क्यों हो पाया, गवर्नमेंट की वजह से। आप लोग इंजीनियर हैं, सोचिए, एक साइंस है, एक टेक्नोलॉजी लगी, उसकी वजह से ऐसा हो पाया, क्योंकि देखिए कोयला बढ़ा नहीं, नए पावर प्लांट्स खुले नहीं, पावर प्लांट्स बने नहीं, पावर प्लांट्स उल्टा जो थे वो बंद हो गए, जो एग्जिस्टिंग पावर प्लांट थे उनका लोड और बढ़ गया। तो ऐसा क्या जादू हो गया कि जहां बिजली 12 घंटे नहीं आती थी वहां 22-24 घंटे आ रही है, ऐसा क्या हुआ होगा। सोलर नहीं, सोलर तो एक छोटी सी चीज है, एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ 13-14 के बाद, 12-13 के बाद। लकीली मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट तो उस समय आई, लेकिन ये जो रिवॉल्यूशन हुआ ये टाइम बीइंग हुआ, नहीं होती दूसरी गवर्नमेंट होती तो भी होता, थोड़ा धीमे होता थोड़ा तेज होता, गवर्नमेंट का काम होता है केवल स्पीड अप करने का, बाकी टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो अपने आप आती है। ऐसा नहीं है कि ये मोदी लेकर आ रहे हैं तो वो कांग्रेस के राहुल गांधी लेकर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं राजनीति में नहीं जाता, टेक्नोलॉजी अपने आप आती है, बस ये गवर्नमेंट का काम होता है कि टेक्नोलॉजी को कितनी जल्दी ग्रैस्प करके उसको कितनी जल्दी पब्लिक को प्रमोट कर दे। हो सकता है कोई गवर्नमेंट होती, भाई कंप्यूटर आया सन 80s में कंप्यूटर आ गया था, हो सकता है उस समय कोई और अच्छी गवर्नमेंट रही होती तो कंप्यूटराइजेशन और तेजी से हो गया होता, आज जापान की तरह हम लोग भी आगे होते, बट वो धीमे धीमे हुआ कंप्यूटर, आज भी हमारे काफी ऑफिस डिजिटलाइज नहीं है, है ना। तो गवर्नमेंट का काम केवल स्पीड अप करने का होता है, टेक्नोलॉजी अपने आप आती है। तो वो टेक्नोलॉजी आई एलईडी बल्ब। अब एलईडी बल्ब ने क्या किया, ग्रिड की डिमांड को कम किया। हुआ क्या, जहां 500 वाट का हैलोजन लगाते थे स्ट्रीट लाइट्स पे, वहां 50 वाट का स्ट्रीट लाइट लग रहा है। कितना परसेंट कम हो गया, 10% पे आ गया ना, 90% रिड्यूस हो गया डिमांड। जो डिमांड हमारी 100% थी वो 10% पे आ गई। हमारे घरों में 100 वाट के बल्ब जलते थे, है ना, CFL तो आई ही थी, सब घरों में कहाँ थी, ज्यादातर घरों में 100 वाट के बल्ब जलते थे, वहां क्या जलने लगा, 9 वाट, यानी अगेन अप्रोक्स 10% पे आ गए हम। तो यानी कि 90% डिमांड ही खत्म हो गई ग्रिड की, और जो 90% डिमांड खत्म हुई तो वो क्या हुआ, रूरल एरियाज में जहाँ 12 घंटे बिजली नहीं आती थी वहां आज 22-24 घंटे आ पा रही है। यानी हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए दो चीजें हो सकती हैं, या तो हम उसका प्रोडक्शन बढ़ा दें या अपनी भूख कम कर रहे हैं। अब भूख कम करें तो हमें कुछ तो एनर्जी चाहिए ना कहीं से, तो एलईडी ने तो वो एनर्जी दे दी, हमारी नीड्स पूरी हो गई। अब दूसरा दौर है ये रिवॉल्यूशन का, ये क्रांति का दूसरा दौर है कि अब सोलर वक्त आ गया है कि हमें हर रूफ पर एक सोलर चाहिए, और गवर्नमेंट भी इस समय पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है आपको सोलर प्लांट्स पे। बैंक्स भी आज की डेट में सारे नेशनलाइज बैंक्स, अभी कल भी मेरी जोनल ऑफिसर से बात हुई थी, कई बैंकों को मैंने इंटरेक्ट किया था तो उनसे मैंने सर्कुलर्स लिए हैं, सारे नेशनलाइज बैंक अब फाइनेंस करने के लिए तैयार हो गए हैं इसको, गवर्नमेंट ने बोला है। इंडस्ट्री सेक्टर को सिडबी फाइनेंस करने के लिए तैयार हो गया है कि सोलर रूफटॉप को अभी किसी इंडस्ट्री में लगाना है तो सिडबी फाइनेंस कर देगा, घरों में लगाना है तो नेशनलाइज बैंक्स फाइनेंस कर देंगे, है ना। तो कुल मिलाकर के अब
सोलर रूफटॉप अगर हर घर में लग जाएगा तो ग्रिड की डिमांड कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। अब एक घर में 5 किलोवाट का कनेक्शन है, 5 किलोवाट का प्लांट लगा हुआ है, अभी उसकी ग्रिड की डिमांड हो गई जीरो, हो गई, बल्कि उल्टा हुआ एक्सपोर्ट कर रहा है ग्रिड को। जो चीज ज्यादा हो गई, प्रोडक्शन बढ़ गया उस चीज का, तो वो चीज ऑटोमेटिकली सस्ती हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर एनर्जी की कॉस्ट सस्ती हो गई तो उसका रिफ्लेक्शन और चीजों पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? भाई एक फैक्ट्री को लाइट अभी फ्री में, अभी वो फैक्ट्री, मैं ऐसी ऐसी फैक्ट्रीज में मैं सोलर प्लांट अभी लगा रहा हूँ जहाँ 1-1 लाख रुपए 13-13 लाख का बिल आता है मंथली, यानी इमेजिन 13 लाख रुपीज पर मंथ, 1 लाख रुपीज पर मंथ। अब अगर उसका वो कॉस्ट खत्म हो जाएगा तो उसका प्रोडक्ट सस्ता होगा कि नहीं होगा? होगा। यानी ओवरऑल एक चीज अगर हम सही करेंगे तो उससे रिलेटेड कई चीजें अपने आप सही हो जाएंगी, और जब कई चीजें सही हो जाएंगी तो हम देश में एक आर्थिक क्रांति ला पाएंगे ना। और अब यहाँ पे क्या है, भगत सिंह के टाइम पे बड़ा रिस्क था भाई, बंदूक लेना है, किसी को मारना है, फिर उसके बाद जेल जाना है, फिर फांसी भी चढ़ना है। लेकिन आप लोग ऐसे आर्थिक क्रांतिकारी बन सकते हो जिनको ना बंदूक उठानी ना कुछ करना है, अपनी भी जेब भरनी है और कंट्री का भी भला करना है, हमारा भी भला तुम्हारा भी भला दोनों का भला है ना। तो आप सोलर एक ऐसा ग्रीन ब्लू ओशियन है जहां पे आप जा सकते हो। और अभी क्योंकि काफी इसमें आप अभी अगल बगल नजर उठा के देखो, आपको हर 50वें घर पे या 100वें घर पे, गोमती नगर वगैरह की बात नहीं कर रहा, वहां हर 10वें घर पे मिलेगा, लेकिन बाकी कई एरियाज में 50-50 घर पे एक प्लांट दिखेगा ना, और रूरल एरियाज में और कम प्लांट्स दिखेंगे। अभी आपके पास पूरा ओशन खाली पड़ा है, पूरा मैदान साफ है, बस आपको जरूरत क्या है, अपने आप को सही तरीके से सीखने की, लर्निंग की, क्योंकि बिना लर्न किए कुछ भी नहीं अर्न कर सकते हैं। लर्न कीजिए सोलर के ऊपर, और उसके बाद फिर आप लेकर जब इसे मार्केट में जाओगे तो आपको अच्छी अर्निंग भी होगी और एक आर्थिक क्रांतिकारी भी आप बन पाओगे। देखो सोलर के बारे में मैंने बताया, नॉर्मली अगर हम किसी के पास जाते हैं तो क्या है, क्या आप अपनी प्रकृति की सबसे पहली चीज़ हो, और एक और चीज़ आप अपने आने वाली जनरेशन को एक ग्रीन फ्यूचर देके जाओगे, क्योंकि एक यूनिट बिजली बनाने के लिए करीब 100 ग्राम के आसपास कोयला जलाना होगा। जब हमारी ग्रिड पर डिमांड खत्म हो जाएगी तो हम पूरी तरीके से इस पर आ जाएंगे, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी कम होगा, तो हम एक अच्छा एनवायरनमेंट भी अपने फ्यूचर को देके जाएंगे। क्या आप बिजली के बिल से परेशान है? हर आदमी परेशान है ना। लोग सोलर क्यों नहीं लगा पाते हैं? इसलिए क्योंकि काफी कॉस्टली पड़ता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई अकॉर्डिंग टू दोस पीपल्स, है ना, उनके हिसाब से लगता है कि एक बार में 2-3 लाख रुपया लग गया, उससे बढ़िया हम बिजली का बिल दे रहे हैं। बट उनको ये चीज नहीं पता है कि यही पैसे को अगर हम डाइवर्ट कर दें दूसरी जगह पे, हमारा सोलर फ्री में लग जाएगा। ये चीजें आपको सीखनी है, ये सारी कैलकुलेशन आपको करनी है। एक घर पे सोलर लगता है तो 5 साल में पैसा खाली होता है, एक फैक्ट्री में सोलर लगता है तो 3 साल में खाली हो जाता है, क्योंकि घर में थोड़ा बिजली सस्ती होती है, फैक्ट्रीज में बिजली महंगी होती है। अब एक बार आपने सोलर प्लांट लगा दिया तो 40 साल तक लगभग कुछ नहीं बोलना, 25 साल की तो गारंटी है, 10-15 साल तो ऊपर चलेगा ही, ठीक है। इन सभी उत्तरों का अब आपको बनना क्या है, एक सोलर सलाहकार, मैंने बोला ये तो मेरे कस्टमर्स के लिए बनाया, लेकिन आपको मैं दिखा रहा हूँ एक सोलर सलाहकार, यानी कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों में से आप लोग बने सोलर सलाहकार, है ना, सोलर कंसल्टेंट, एज एन सोलर कंसल्टेंट स्टार्ट करें अगर स्टार्टअप में आना चाहते हैं, उसके बाद फिर आगे आप अपना भी काम उससे डेवलप कर सकते हैं। एक मोबाइल कितने दिन चलता है? 2 साल। इन्वेस्टमेंट जीरो कितने का आता है? 20,000-30,000-1 लाख, जैसी जिसकी शौक वैसा उसका मोबाइल, है नहीं? लेकिन चलता वो 2 ही साल है, 2 साल के बाद टेक्नोलॉजी नई, मोबाइल बेकार हो गया, है ना। लैपटॉप 5 साल। एक कार आप महंगी से महंगी खरीद लीजिए, 10 साल के बाद गवर्नमेंट कह रही है उसको स्क्रैप करो, कह रही है कि नहीं कह रही है? चाहे आप 1 करोड़ की कार ले आओ, और चाहे आप 10 लाख की कार ले आओ, चाहे 20 लाख की कार ले आओ, चाहे 4 लाख की कार ले आओ, 10 साल चलेगी। इन्वेस्टमेंट इज हैवी बट यूज इज ओनली 10 ईयर्स। लेकिन अगर आप सोलर में इन्वेस्ट करते हो, कोई भी बंदा सोलर में इन्वेस्ट करता है, 5 साल में उसका पैसा वापस, जो पैसा उसने लगाया था, ये तीनों नहीं देंगे लेकिन ये देगा, 5 साल में पूरा पैसा वापस सूद समेत,
उसके बाद आने वाले 20 साल नेक्स्ट 20 इयर्स यानी टोटल 25 साल तक गारंटी के साथ बिजली का बिल नहीं आएगा, यानी कि एक बड़ी सेविंग। कितनी बड़ी सेविंग अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। सोलर एनर्जी के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कैसे उसमें कन्वर्ट होती है। सोलर के बारे में पहले जानिए होता क्या है। कितने लोग जानते हैं ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड? कोई जानता है? नहीं जानते है? मैं बताता हूँ। दो तरीके के सोलर सिस्टम मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि तीन तरीके के करते हैं, तीसरा इन दोनों का कॉम्बिनेशन। एक होता है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, एक होता है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। सबसे पहले हम ऑफ ग्रिड बताते हैं। ऑफ ग्रिड में क्या होता है, पैनल्स होते हैं, आप अपनी जरूरत के हिसाब से सोलर पैनल्स लगाते हो अपने यहाँ। उसके बाद जैसे भी एक कॉलेज है, कॉलेज अपनी जरूरत के हिसाब से सोलर पैनल्स लगाएगा, पूरा सोलर पार्क बनाएगा, बल्कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है। उसके बाद सोलर का काम होता है दिन में, रात में तो सूरज होता नहीं है, बट हमको तो रात में भी एसी चलाना है, तो हम रात के लिए क्या करते हैं, बैटरी बैंक रखते हैं, है ना। बैटरी बैंक से हम एनर्जी को लेंगे रात में, और दिन में हम डायरेक्ट सोलर से लेंगे, तो हम उतना बैटरी बैंक रखेंगे रात कि मेरा रात भर का काम चल जाए। ये हो गया ऑफ ग्रिड सिस्टम। इस ग्रिड से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जब मेरी बैटरी खत्म हो जाए तो हम इसे ग्रिड से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे ग्रिड कनेक्शन नहीं वहाँ डायरेक्ट ऑफ ग्रिड बोलते हैं, और जहाँ ग्रिड कनेक्शन है वहाँ मैंने बोला था हाइब्रिड सिस्टम आता है। मैंने कहा था तीसरा सिस्टम है, उसमें ग्रिड से कनेक्ट हो जाता है। सबसे पहले सोलर से चलेगा, फिर बैटरी से चलेगा, फिर उसके बाद अगर खत्म हो गया रात में तो वो ग्रिड पे चला जाएगा, या सूरज नहीं निकला तो भी वो ग्रिड से ले लेगा। इससे आपका काम हो जाएगा। इसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि आप बहुत बड़ा बैटरी बैंक नहीं रख सकते, क्योंकि इसकी एक हैवी कॉस्ट होती है बैटरी इसकी, है ना। मानो 10 किलोवाट का प्लांट लगाए तो मैं 10 बैटरी रखूंगा, या 5 किलोवाट का प्लांट लगाए तो मैंने 4 से 8 बैटरी रख सकता हूँ, 96 वोल्ट का प्लांट लगेगा। अब 8 बैटरी में मैं ज़्यादा से ज़्यादा 16 यूनिट स्टोर कर सकता हूँ, तो अगर मेरा खर्चा रात का 16 यूनिट से ज़्यादा है तो हमें और बड़ा बैंक लगाना है, और बड़ा प्लांट रखना पड़ेगा, प्लस बैटरी की एक मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। बैटरी 8 साल के बाद आपको रिप्लेस करनी है, 7 से 8 साल इसकी लाइफ होती है, है ना। तो ये लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्लांट बेकार है, जहाँ ज़रूरत इस प्लांट की है वहाँ ये प्लांट लगाना है। अब यहाँ पे रोल होता है कंसल्टेंट का, वो बताता है कि कस्टमर को कौन सा प्लांट लगाना है, और ये एक टेक्निकल चीज़ है, तो इसको बेचने वाला भी एक टेक्निकल आदमी होना चाहिए। ऑन ग्रिड सोलर प्लांट क्या, इसमें जो वहाँ की डिसएडवांटेज थी यहाँ पे वो एडवांटेज बदल जाता है। इसमें हमारे पास स्टोरेज बढ़ जाता है। स्टोरेज बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि जो बिजली बनेगी हमारे पास कोई बैटरी बैंक नहीं है, सीधे के सीधे जितना हमने यूज़ करना है यूज़ किया, बाकी ग्रिड पे एक्सपोर्ट कर दी, जो कि आपके खाते में जमा हो जाएगी। आप उसको बाद में अपनी ज़रूरत के हिसाब से गर्मी जाड़ा गर्मी में या रात में आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई, क्योंकि ग्रिड पे तो आप असीमित बिजली भेज सकते हो, है ना। तो ये प्लांट सस्ते हो गए, मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है इसकी, 10 साल इन्वर्टर की वारंटी और 25 साल पैनल की वारंटी, मेंटेनेंस भी खत्म इसकी। इसका एक क्लौता डिसएडवांटेज ये है कि ये जब पावर कट होगा गवर्नमेंट का ग्रिड का, तो आपका प्लांट बंद हो जाएगा, क्योंकि आपका घर भी पावर हाउस है, और मानो ग्रिड पे शटडाउन लिया है उसने, तो आपका जो आपने यहाँ से लाइट बना के भेज दिया, करंट बना के भेज दिया, तो वो आदमी जो काम कर रहा है वो उड़ जाएगा। इसलिए उसमें एक सेंसर लगा होता है, जैसे ही उनका पावर कट हुआ ट्रांसफार्मर से, आपका जो प्लांट है वो अपने आप शटडाउन कर, एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया ऑन ग्रिड सिस्टम। हाइब्रिड में बता दिया था मैंने, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, बैटरी भी रख सकते हैं साथ में। अब थोड़ी कैलकुलेशंस की बात करते हैं, फिर खत्म। अब एक एवरेज घर का बिजली का बिल आता है, मान लो 7,000 रुपये गर्मी का, 4,500 रुपये जाड़े का, तो एवरेज बिल हो गया 5,500 रुपये। अब 5,500 के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया, तो इसका एक कैलकुलेशन होता है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे जब कभी आप पूछोगे मुझसे। तो ये 500 से 650 यूनिट का कंजम्पशन है इस बिल के अकॉर्डिंग, उसका महीने का कंजम्पशन इतना है। तो अब हम उसे सजेस्ट करेंगे कि आप भाई 4 किलोवाट का प्लांट लगा लो, क्योंकि 4 किलोवाट का प्लांट हमारा 20 से 22 यूनिट पर डे बनाएगा। तो ये जो प्लांट है ये हमारी जो जनरेट करेगा 600 से 700 यूनिट,
और इसकी जो कॉस्ट आएगी वो 58,000 से 60,000 रुपए आएगी पर किलो। अभी वो क्या कर रहा था, 5500 एवरेज कंजम्पशन 500 से 650, अभी वो पे कर रहा था 5500 रुपए। सोलर प्लांट लगाएगा, 600 से 700 यूनिट बनेगी तो उसका जो बिल आएगा वो खाली 0 से 300 रुपए के आसपास आएगा, यानी कि उसकी 5000 रुपए की सेविंग चालू हो गई, 5000 रुपए उसके बच गए महीने के। अभी वो 5500 दे रहा था, वो 300-400 रुपए देगा। तो अब जो पैसा कहाँ से लाएगा वो, अब मैंने उसको बोला इफ मनी इज अरेंज्ड बाय लोन फॉर 5 इयर्स एट द रेट ऑफ 9% विच इज हायर साइड, ठीक है, मंथली ईएमआई जो बनेगी उसकी बनेगी 49,82 रुपए। बिल कितना दे रहा था, 5500 रुपए, ठीक है, लोन अमाउंट हुआ था उसका 240,000 रुपए, इंटरेस्ट पे करेगा 58,920 रुपए, टोटल पे करेगा 298,000 रुपए, लेकिन ईएमआई उतनी ही आएगी उसकी। तो यानी कि अभी वो पे करेगा अप्रोक्स एक्सेस इलेक्ट्रिक बिल के साथ 5000 रुपए, यानी कि 500 रुपए की उसकी अभी से सेविंग चालू होगी ईएमआई देने के बाद। अभी वो 5500 रुपए दे रहा था, अभी वो ईएमआई और बिल मिला करके 5000 रुपए देगा, यानी कि अभी 500 रुपए महीने की सेविंग आज ही से चालू होगी, जबकि लोन करा के लगाया तब भी 500 रुपए महीना बच रहा उसका। अब टोटल सेविंग देख लेते हैं उसकी, 5000 बचेगा, 500 रुपए महीना। अब 500 रुपए महीने का मतलब हो गया कि 30,000 रुपए 5 साल में, 500 रुपए महीने के हिसाब से 10 पर नेक्स्ट 20 इयर्स लगभग वो 1,12,00,000 रुपए बचा लेगा। 5000 रुपए महीना अगर एक को ऊपर एक रखता चला जाए तो 12,00,000 रुपए बचा लेगा, और 30,000 रुपए पहले 5 साल में बचाए तो उसने, और अगले 20 साल में 12,00,000 रुपए बचाए। टोटल अगर एक के ऊपर एक गुल्लक में डालता चला गया पैसा तो उसने 25 सालों में क्या बचाया, 12,30,000 रुपए। लेकिन अभी इतनी बचत नहीं हुई, कुछ मेंटेनेंस भी तो जाएंगे, उसको माइनस करते हैं। भाई एक सही सलाहकार आपको हर चीज बताएगा, एडवांटेज भी बताएगा, डिसएडवांटेज भी बताएगा। तो अभी मेंटेनेंस कितनी आनी है खाली इन्वर्टर पे, माने 2 बार इन्वर्टर बदल दिया 25 सालों, लगभग 60,000 रुपए का बदला इन्वर्टर मैंने, तब भी उसका 11,70,000 का प्रॉफिट हुआ, खाली वो गुल्लक में डाल रहा है 5,000 रुपए, यानी अप्रॉक्स 12,00,000 की सेविंग है 25 वर्षों में। लेकिन अभी थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करा, अब अगर वो यही पैसे को इन्वेस्ट कर दे, भाई 500 रुपए गुल्लक में आजकल कौन डालता है, कोई डालता है, नहीं डालता है, बैंक में डालते हैं ना, 500 की RD खोल दी उसने, मान लो इन्वेस्ट कर दिया 500 रुपए, जो 30,000 बच रहा था 35,498 हो गया, सेविंग भी आ गई, 5 साल के बाद ईएमआई बंद हो गई तो 5,000 भी बच गया। अब वो 5,000 का आरडी खोल दिया 10 साल के लिए, 8,44,940 रुपए हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर 10 साल के बाद हमने उस पैसे को एफडी में डाल दिया और नेक्स्ट 10 साल तक हम फिर 5,000 की आरडी खोल दिए, टोटल हमें 8,44,000 इधर आ गया और वो 10 साल में पैसा डबल होकर 16,00,000 हो गया। अब जब हम इन सबको टोटल करते हैं तो 25 सालों में हम बचाएंगे 25,00,000 रुपए। प्लांट लगाया था 2,40,000 रुपए का, अब 25,00,000 की सेविंग देंगे। एक ऐसा पेड़ एक घर में आप लगवा दोगे जो कि 25 वर्षों में बिजली तो देगा ही देगा, साथ में पैसा भी देगा, वो भी नॉर्मल, कोई दिमाग नहीं लगाना, और यही पैसा अगर वो बिजनेस मैन है तो बिजनेस में इन्वेस्ट करके तो कितना बना सकता है। ये इस तरीके की चीजें, पैनल्स के बारे में बता दूं थोड़ा सा, और पैनल दो तरीके के बेसिकली होते हैं, मोनो होता है, पॉली होता है। पॉली पैनल्स में सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, लेकिन ये पैनल बेकार होते हैं। इनमें क्या होता है कि 70% एफिशिएंसी होती है, केवल राजस्थान जैसी जगहों के लिए सही होते हैं, ज़्यादा बरसात में काम नहीं करते, यानी कि 1 किलोवाट पे 4 यूनिट बनाते हैं। उसके बाद आता है मोनो, वो पहाड़ों के लिए अच्छा होता है। उसके बाद आता है मोनो हाफ कट, ये पैनल हमारे प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छा होता है, थोड़ा सा महंगा पड़ता है, इस पर सब्सिडी भी नहीं मिलती है, लेकिन उस सब्सिडी से कहीं ज़्यादा बिजली के बना देता है, क्योंकि ये 5 किलोवाट प्लांट पे पॉली अगर बना रहा है 1,000 रुपये की बिजली,
ये मैंने 5 किलोवाट पे अगर जो पॉली बनाता है उससे 1200 रुपए महीने की बिजली ज्यादा बनाता है, तो यानी जितना गवर्नमेंट सब्सिडी देता है उससे कहीं ज्यादा बिजली बना देता है। और ये मोनो हाफ पैड पैनल होता है, तीनों मौसम में काम करता है। ये हमारी छोटी सी, बाकी इसके बाद बाईफेशियल भी आता है, बाईफेशियल में ऊपर से और नीचे से चार्ज करता है, बट उसके लिए रिफ्लेक्टिव सरफेस होनी चाहिए तो उसका एडवांटेज मिलता है और महंगा कॉस्ट बढ़ जाता है। तो वो जब आप लोग कभी डिटेल में सीखोगे तो आपको एक एक चीज सिखाई जाएगी। ये सारी चीजें हैं, इनकी एफिशिएंसी मैंने आपको बता दी क्या है, है ना, 90% एफिशिएंसी पे काम करता है, 12 मंथ्स में इतना यूनिट जनरेट करेगा। बाकी ये सब कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम द प्रेजेंटेशन सेशन। आप कोई क्वेश्चन हो तो बताइए।